नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं एनसीआरटी का लाइव फॉर इन प्रोग्राम पीएम विद्या चैनल नंबर दस पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट और अपने सभी देखने वाले स्टूडेंट्स और व्यूवर्स आप सभी को बता दें कि हम साइंस के टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट वन इसके पार्ट वन पर आज बात की जाएगी चर्चा की जाएगी और आपको इस टॉपिक पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट लेट्स मीट मीटर आप हैं डॉक्टर रविजोत सिंधु आप पी केमिस्ट्री हैं फ्रॉम नविक स्कूल लक्ष्मीबाई नगर न्यू डेली से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच और मैम से अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो मैम से कोई बात जानना चाहते हैं आप सभी स्टूडेंट्स तो so आप बेझिझक अपनी सभी क्वेरीज अपने सभी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं फॉर दिस यू हैव टू कॉल अस आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ई कर सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और इनके साथ आप हमसे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जुड़े हैं यानी कि यूट्यूब चैनल पर हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे लाइव चैट चेटबॉक्स पर अपना

और जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस uh, कर दिया है सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज़ अ क्लास टेंथ टॉपिक और हाँ अपना टॉपिक शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ ग्लैंस एट दैट व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स और बच्चे जो है hmm. इस सेशन के बाद hmm. uh, क्या कुछ सीख पाएंगे सो एज यू कैन सी आई हैव इट रिटर्न ओवर हयर द लर्नर ड्रॉस कंक्लूजन सच एज Properties of elements vary periodically along the groups and periods in periodic table, and the learner takes initiative to know about scientific discoveries. Okay. So. Uh, मैं आ, अपने बच्चों को एड्रेस करने से पहले रेनू आपसे एक छोटी सी मेरे दिमाग में क्वेरी आ रही है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेके कभी आ, अगर गए हैं मेडिसिन शॉप में तो शॉप में जाते ही जब आप प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और शॉपकीपर कितनी तुरंत आके आपको जो है वो मेडिसिन दे देते हैं तो उनके पास तो ढेर सारी अंदर दवाइयाँ होती हैं और आपने सिर्फ दो ही दवाइयाँ मांगी तो ये किस तरीके से झटपट लेके आ जाते हैं मैम इसमें इस तरह से क्योंकि उनका अरेंजमेंट होता है मे बी दैट्स वाई वो फटाफट अपनी चीज़ें ले आकर अपने कस्टमर्स को दे देते हैं तो इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया अरेंजमेंट तो बच्चों इसी तरीके से आ, अगर हम थोड़ा सा इसको आ, अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करें कि आप लोग भी आ, जब दुकान में जाते हैं या हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक सब्जी वाले ने जो है अपना टमाटर का ढेर अलग बनाया होता है hmm. करेलों का अलग ढेर बनाया होता है ऐसे ही उसने वेजिटेबल्स को जो है ग्रुपिंग करी होती right. है साइंटिस्ट ने भी सोचा कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो हम उनकी किस तरीके से ग्रुपिंग करें और चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार में करने के लिए आपको मैं लिए चलती हूँ 1800 सौ सदी में सो लेट्स ट्रैवल बैक इन टू हिस्ट्री टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रियोडिक टेबल तो आपको इमेजिन करना होगा कि आप जो है वो अट्ठारह ईस्वी में पहुंच गए हैं hmm. ना कोई इलेक्ट्रिसिटी ना देर इज नो रनिंग वाटर इन द टैप्स तो ये 1817 बहुत मुश्किल है इमेजिन करना एंड आई एम अ साइंटिस्ट सो कैन यू इमेजिन मी एज अ साइंटिस्ट और ये जो डुबराइनर साइंटिस्ट में आपके सामने दो मिनट के लिए बनूंगी यू कैन सी हिम ऑन द स्क्रीन एंड देखो जब वहाँ पे uh, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं कोई समाधान नहीं तो hmm. भी हमारे साइंटिस्ट जो जुटे हुए थे सो hmm. so, हाल में ही डुबराइनर साइंटिस्ट मैं हूँ और मैंने जो है एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई हैव मेड दैट प्लैटिनम कैन बी यूज एज कैटलिस्ट ऑल्सो एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन एलिमेंट्स एंड वी हैव थर्टी वन एलिमेंट्स नाउ एंड आई एम सींग्रुप दैम सो वन रेनू की मैंने जो है कुछ एलिमेंट्स को जो है इस तरीके से दी है यहाँ पे मेरा पहला ग्रुप है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का सो इन दिस यू कैन सी दैट अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप के Uh, जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज hmm. लें तो तकरीबन वी आर एबल टू गेट द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट सो क्योंकि ये मैंने तीन ग्रुप uh, तीन एलिमेंट्स लिए हैं इस ग्रुप में तो क्यों ना मैं इसका नाम नाम जो है ट्राइड कर दूं, सो so, ये मेरा ट्राइड hmm. हो गया एक और इसी तरीके से मैंने और एक ग्रुपिंग करी है और वो मेरा ये ग्रुप है जिसमें कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है एंड हेयर ऑल्सो इन दिस यू कैन सी दैट द द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इफ द एटॉमिक मास एवरेज वी आर गेटिंग अराउंड द एटॉमिक मास ऑफ द दिडल एलिमेंट और इसी तरीके से मैंने ये इस्टेब्लिश कर दिए हैं तीन ट्राइड्स, देखिए सो okay. so ये मेरा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये फर्स्ट टाइम

एलिमेंट्स को ही ग्रुप group, ग्रुपिंग uh, किया गया हां तो ये हमारी कोशिश रही है अगर मैं साइंटिस्ट के रूप में बोलूं हाँ। कि आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सम रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज और क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स uh, जो हैं वो बने हैं तो इसके ऊपर और खोज हो रही है सो so, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब देखिए 1817 ईसवी से आगे चले खूब सारे साइंटिस्ट हैं काम चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते mm. बढ़ते जो साइंटिस्ट ने बोला कि जो ये आ, के ट्रायड्स हैं mm. ये हर एक ग्रुप में जैसे कि तुमने भी पूछा mm. ये हर एक ग्रुप में फिट नहीं हो रहे सो इफ आई टेक दिस एज एग्जाम्पल नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आर्सनिक तो इसका तो जो मिडल वाले का एवरेज निकल रहा है इकतीस mm. यहाँ पे इकतीस है लेकिन एवरेज mm. निकल रहा है फोर्टी फोर सो so, ये डॉबर्नेर ट्रायड ट्राय जो है वो हर एक ग्रुप में फिट नहीं हुआ सो तो ये लिमिटेशन हो गई तो हर एक चीज के साथ साथ जो है अचीवमेंट्स भी होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं सो hmm. so, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब समय आ गया अट्ठारह सो इट इज़ द ईयर एटीन और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन न्यूलैंड ठीक है hmm. तो अब थोड़े समय के लिए मैं न्यूलैंड hmm. जो है साइंटिस्ट बन जाती हूँ yeah. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जॉन न्यूलैंड इनको म्यूजिक का बड़ा शौक था ओके सो एज न्यूलैंड मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है hmm. तो आपने भी कभी स्वर जो है वो गुनगुनाए होंगे जो हमारे uh, yeah, सात स्वर होते हैं hmm. क्या होते हैं सात स्वर मैम अगर हम देखें अपने सात स्वर सारे गामा पाधा ये सात स्वर होते yes. हैं बिल्कुल और यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट करते हुए मैं यहां पे टीचर एजुकेटर्स को और टीचर्स से दरख्वास्त करूंगी कि हम बिल्कुल ना हिचके क्लास में कि हम लोग तो भाई म्यूजिक टीचर नहीं है मैं तो हुँ. साइंस टीचर हूँ और हम गा नहीं सकते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा यू नो जॉयफुल लर्निंग के लिए हम गुनगुना सकते हैं क्लास में तो चलिए कोशिश करते हैं हम दोनों मिलकर सारे गामा पाधा नी सा नी hmm. तो जो हमारा आठवां स्वर सा लगा है hmm. तो न्यूलैंड hmm. ने बोला कि जो पहला स्वर है hmm. सा और hmm. आठवा भी है सा hmm. सो उसमें होती है hmm. तो म्यूजिक से ही उठा के उसने जो है रिलेट करते हुए साइंस को एक लॉ बनाया एंड दैट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंडर जो है एक जिसको हमने बोला है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत तो देखिए आप यहाँ पे जो है एलिमेंट्स को जो है न्यूलैंड ने hmm. वो बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मास के लगा दिया सो द एलिमेंट्स हेयर आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस और उसने क्या पाया देखिए अगर हम लिथियम को पहला अपना एलिमेंट मान के चलें ठीक है सो लिथियम के बाद आठवां जो एलिमेंट है वो लिथियम 1 2 3 4 बोरॉन ये हो गया नाइट्रोजन hmm. ऑक्सीजन और hmm. ये सातवां फ्लोरीन एंड सोडियम जो है वो आठवां है लिथियम और सोडियम इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर पाई गई इसी तरीके से के बाद आठवां स्वर हुआ मैग्नीशियम का सो ब्रिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज भी इसमें सिमिलरिटी पाई गई तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने बनाया तो इसमें जो है अगेन प्रियोडिसिटी वॉज सीन एज देर इज प्रियोडिसिटी इन दी म्यूजिक नोट्स सो दिस वॉज नोन एज द न्यू लॉ ऑफ ऑक्टिव लेकिन हाँ जैसे कि पहले मेंशन किया कि जब अचीवमेंट्स होती hmm. हैं तो साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं तो इसके लिमिटेशंस क्या थे तो बच्चों आप देखिए ये सिर्फ कैल्शियम तक ही जो है वो ये रूल जो रिपीटेशन का है वो ओबे कर रहा था एंड न्यूलैंड ने उस टाइम एज्यूम कर लिया ही हैं और है, हम लोग अभी सोलह सौ छाछ इश, ईस्वी की बात कर रहे हैं hmm. तो आज की डेट में बहुत सारे सौ से भी ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो गए हैं hmm. बट न्यूलैंड ने ऐसा नहीं सोचा था बच्चों तो उसने जो है हाइड्रोजन से शुरू करके और थोरियम तक अपने जो है वो हुँ. टेबल में लगाए यहाँ नहीं दिखाया गया, lens, uh, so, ये भी आ गया। और आप बताइए क्या इसमें किसी कॉलम कोई ऐसा है जिसमें दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपके? Yes, दो जगह ऐसी नजर आ रही है जहाँ पर दो दो एलिमेंट लिखे हाँ. so, हुए और इसी तरीके से उसको यहाँ पे जो है सीरियम एंड लांथनम को भी एक ही स्लॉट में डालना पड़ा hmm. तो ये जो है थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई hmm. और हाँ देखिए ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ये इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है hmm. और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे जो है वो आयरन के जैसी है hmm. और वो आयरन दूर रूट के बैठा हुआ है तो ये भी थोड़ा सा जो है लिमिटेशन आ गया hmm. तो इसको हटाने के लिए और साइंटिस्ट जो है काम करने लगे और देखने लगे कि भाई ये जो लिमिटेशन्स हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है hmm. तो ऐसे में ही लोथमेयर करके साइंटिस्ट हैं और खूब सारे साइंटिस्ट जो हैं चारों तरफ बहुत काम कर रहे थे लेकिन जो हम लोग जिनको फादर ऑफ़ पीरियोडिक टेबल मानते हैं hmm. वो uh, जो है उन, वो इतने बड़े किरदार की अब एंट्री होती है और उनका नाम है मेन्डिलीफ तो ये uh, जो है आप कौन से सन में पहुंच गए हम 1869 में है 1869 में हुँ. और में जो हैं जो कि आप स्क्रीन पे देखिए इनको हम लोग फादर ऑफ प्रियोडिक टेबल मानते हैं हुँ. कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई ये वाला पीरियोडिक टेबल तो आजकल हम पढ़ते ही नहीं है आजकल हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं जिनकी जानकारी मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी जी। लेकिन हाँ। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं तो ये बहुत ही uh, इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी चर्चा चलिए हम लोग करते हैं ठीक है तो इन्होंने देखिए क्या किया जो मैं पीरियोडिक टेबल है और इनका पूरा नाम है दिमित्री Ivanovic, hmm. इन्होंने ये सेंट पीटरबर्ग में अपनी लैब में जब काम किया करते थे तो इन्होंने अपने लैब के इमेजिन करिए कि ये एक दीवार है okay. ठीक है hmm. ये इनके कमरे की दीवार है hmm. और इनके पास खूब ढेर सारे जो हैं, वो एलिमेंट्स हैं uh, उस टाइम 63 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हुए थे सो ही वाज वर्किंग विद 63 एलिमेंट्स और uh, ये देखिए पहले तो उन्होंने अपने म्यूजिक का आधार बनाया ठीक mm -hmm. है तो मेंडलीफ ने uh, जो है आपके मन में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या चीज को आधार बनाया सो ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन यू कैन से एटॉमिक मासस and 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 the 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 physical and chemical properties hmm. and he concentrated on the, you can say the reaction of एंड द फिजिकल एंडल प्रन से रियक्शन एंड हाइड्रोजन ओनली ओके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही यूज करना है क्यों ma'am हाँ तो ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने उन्हीं कंपाउंड्स के ऊपर कंसंट्रेट किया जब ये एलिमेंट्स ने अपना रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ किया क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे ऑलमोस्ट फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑल द एलिमेंट्स तो उन्होंने क्या किया जैसे कि आप देख रहे हैं ये दीवार है hmm. ठीक है और मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि टीचर्स से रिक्वेस्ट होगी और टीचर एजुकेटर्स से भी कि बच्चों को अपना एक छोटा सा कॉर्नर दे दीजिए केमिस्ट्री लैब में नहीं तो कॉरिडोर में जहां पे वो अपना जो है मैं वॉल बनाए hmm. और उन्होंने क्या किया ये जो 63 एलिमेंट्स थे hmm. उनको लिए एक एक कार्ड बना लिया मैं यहाँ पे छोटा सा बना के लाई हूं आप लोग इस तरीके से बड़ा कार्ड बनवा सकते हैं ठीक है ना सो so, जो बच्चे जो है उसके ऊपर बड़ा कार्ड बनाए और मेन्डलीफ ने जैसे कहा करा था तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज लिखी प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है अगर आप देखें आर टू ओ और आर एच डैट मीन्स उन्होंने ये सबके रिएक्शन किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ तो अगर ये सोडियम का रिएक्शन किया तो जो सोडियम है वो जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो कंपाउंड बनाता है एन टू ओके तो इस तरीके से वो कंपाउंड्स जो आ, बनाए उन्होंने तो उसकी एक एक हर एक आ, हर एक एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टीज जो है वो लिख ली हर एक कार्ड पे और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उन्होंने एक जो है सॉर्टिंग आउट कर ली सो ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज और फिर जो है उनकी ग्रुपिंग कर दी जैसे लिथियम है सो लिथियम ने बनाया एल आई टू ओ तो उसने अपनी वॉल पे ऐसे करके पिन करते चले गए वैसे ही अगर कार्बन को आप लीजिए तो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स सी ओ टू तो ये आर ओ टू जो है यहाँ पे उन्होंने अपना जो है बोर्ड पे ऐसे करके पिन लगा दिया तो इस तरीके से जब वो पिन लगाते गए सारे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को तो कुछ इस तरीके से उनकी दीवार

प्रॉपर्टीज विकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स बच्चों ध्यान रखिएगा एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे थे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी सो hmm. so, जैसे कि लीथियम की जो प्रॉपर्टी है वो रेगुलर इंटरवल के बाद जब सोडियम जो है सोडियम की भी वैसी प्रॉपर्टीज हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से उन्होंने पाया दैट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम

सो so, एक तो उन्होंने ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ही मेड द हाइड्राइड्स एंड द ऑक्साइड्स एज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ओके एंड सी वेरी इंटरेस्टिंगली कैन यू सी दैट सम प्लेट, इन सम प्लेसेस देर आर गैप्स हम यस मैम है ना यस तो देखिए ये एलिमेंट्स हम लोग कौन सी ईस्वी इश, में है ये भूलिएगा नहीं hmm. हम लोग हैं 1869 so में अब हैं ठीक है तो वहां पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे अभी okay. उन्होंने भविष्यवाणी कर हो दी स्पेस छोड़ दिया हा? और उनकी सारी प्रॉपर्टीज बता दी पहले से okay. उन्होंने कहा कि जब कोई एलिमेंट यहाँ डिस्कवर होगा हुँ. तो उसका भार इतना होगा उसकी डेंसिटी इतनी होगी हुँ. तो ये मतलब कितने अचंभे वाली बात थी अभी एलिमेंट बना ही नहीं अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है ठीक है और हाँ उन्होंने उनका नाम दिया और नाम कैसे दिया बहुत ही फख्र होता है कि 1869 में देखिए उन्होंने संस्कृत न्यूमरल का इस्तेमाल किया एका भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसमें से संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये साइंटिस्ट जो रशिया में बैठे हुए हैं और उन्होंने ये क्योंकि एल्युमिनियम के बाद जो गैप था उन्होंने बोला एक एलिमेंट आएगा उसका नाम बोला एका एल्युमिनियम फिर बोरॉन के नीचे जो जगह खाली थी एका बोरॉन और जो सिलिकॉन के नीचे जगह खाली उसके लिए एका सिलिकॉन hmm. तो उन्होंने कहा तीन एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे hmm. और उनकी प्रॉपर्टीज जो है, वो हम अभी बताए देते तो उन्होंने उस टाइम पे प्रॉपर्टीज बता दी सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेट प्रिडिक्शन इट वाज अ वेरी ग्रेट बाय प्रोडिक्शन बाई में एंड एक्चुअली में जब एक एलिमेंट डिस्कवर uh, हुआ जिसका एटोमिक वेट सेवेंटी पाया गया mm -hmm. गेलियम का तकरीबन सेम एंडी उन्होंने बोली थी पाई गई हीच लो फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड भी बताया था उन्होंने ई टू ओ थ्री और okay. वाकई में उसका गेलियम का जी ए टू ओ थ्री सो इसी तरीके से एका सिलिकॉन की जो भी प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रिडिक्ट की बच्चों mm -hmm. वो सारी वैसी ही पाई गई तो है ना ये अचंबे वाली बात कि उनको तो वो एलिमेंट के बारे में पता ही नहीं था जी। और उन्होंने प्रॉपर्टीज बता दी तो ये जो है एक बहुत ही खास बात हुई थी और यहाँ पे मैं आ, आपको एक एक और इनकी इनकी तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दैट ही लेफ्ट गैप्स फॉर दी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्रडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज सो दिस वॉज फर्स्ट अचीवमेंट एंड सेकेंड इज दैट कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंक्रीजिंग एटॉमिक भार के हिसाब से उन्होंने नहीं लगाई जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल क्योंकि कोबाल्ट जो है उन्होंने निकल से पहले रख दिया हैविंग निकल हैविंग लोअर एटॉमिक मास वाज केप्ट आफ्टर कोबाल्ट बिकॉज कोबाल्ट रोडियम एंड इरिडियम दे हैड द सिमिलर प्रॉपर्टीज तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे लेकिन हाँ कुछ लिमिटेशंस भी आ गए ओके okay. यहाँ पे लिमिटेशंस uh, की अगर मैं बात करूँ तो मैं जरूर से आपकी जानकारी में लाना चाहूँगी बच्चों जो आपको भी थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना चाहिए कि वाई वाई इट वॉज दैट ही हैड दीज लिमिटेशंस ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ सच ग्रेट स्ट्रेचर बट मैंने थोड़ा सा जो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है टाइम लाइन को hmm. करने के लिए देखिए 1808 में बच्चों 1808 में hmm. आ, हमारा जो है डेल्टन सिटामिक थ्योरी आती है ठीक है 1817 में सत्रह में आए अब 1817 के बाद आप देख रहे हैं 1830 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और फिर 1866 में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है और जब मैंडलीफ अपना काम कर रहे हैं अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है थॉमसन मॉडल okay. भी नहीं आया था न्यूक्लियस hmm. की न्यूक्लियस uh, की जानकारी नहीं थी प्रोटॉन की जानकारी नहीं थी एटॉमिक नंबर तो बहुत दूर की बात थी 1919 में जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है सो दैट टाइम दैट इज़ वाई दे ऑल वर्कड ऑन एटॉमिक मास तो क्या हम लोग आ, आ, बच्चों आप आ, बता सकते हैं कि आ, अगर हम एक स्टेटमेंट में इसको वाइंड अप करना चाहें वॉट इज मेंटली लॉ तो आप uh, क्या एक स्टेटमेंट में uh, लिख सकते हैं सो so, फटाफट आप uh, अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आ प्रियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मासज दैट इज वाई दे ऑल वर्क ऑन एटोमिक मासज तो hmm. जैसे कि आपको बोला गया कि भाई अचीवमेंट है hmm. तो चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो इसलिए हम लोग खुद भी यहां से लाइफ लेसन लेना चाहिए तो दो चार लिमिटेशंस डिस्कस करने का बिल्कुल हमारे पास समय है अगर आप अपने हमारे बच्चों को कुछ लिमिटेशंस बताना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें बता दीजिए ओके सो जब बाद में क्योंकि मैंने आपको जैसे जिक्र किया बच्चों कि अभी तक तो उनको पता ही नहीं था कि एटॉमिक uh, uh, जो है वो नंबर क्या होता है सो so, जब साइंटिस्ट को धीरे धीरे एटॉमिक नंबर पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने अपनी दीवार पे hmm. यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन रखा है दैट इज अल्कली मेटल्स के ऊपर तो कह रहे यहीं पे क्यों रखा ये तो फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पे रखना चाहिए क्योंकि ये हेलोजेंस के जैसे हैं hmm. तो थोड़ा सा तर्कबाजी हुई तो ये आपको पता होना चाहिए दैट फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है वाई दे आर सेइंग दैट हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के जैसे है तो चलिए थोड़ा सा हम लोग उसमें केमिस्ट्री uh, का गौर करें कि हाइड्रोजन जो है एज यू कैन सी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वन एंड लीथियम इज टू वन एंड सोडियम इज टू एट वन एंड पोटेशियम टू एट एट वन तो इन सब की बैलेंसी हुई वन सो देर फोर डिसाइड की ओके हाइड्रोजन जो है वो तो इट इज रिजेंबलिंग अलकली मेटल्स सो वी कैन प्लेस इट इन द फर्स्ट ग्रुप और एक और तर्क भी आया कि हाइड्रोजन जो है जिस तरीके से कंपाउंड बना रहा है क्लोरीन के साथ क्लोरीन के साथ बना रहा है एच सी एल वैसे ही सोडियम जैसे अल्कली मेटल बनाता है NaCl हाइड्रोजन ने बनाया HCl वैसे ही अल्कली मेटल्स बनाता है Na2O हाइड्रोजन बना रहा है H2O और सोडियम के साथ जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है N2S और हाइड्रोजन बना रहा है H2S सो इट हैज सिमिलैरिटीज विद अल्कली मेटल्स बट दूसरा तर्क क्या आया कि ये तो हैलोजन जैसा भी है हैलोजन जैसा कैसे है कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं एच hmm. टू दो दो एटम से मिलकर बना राइट। right. और हेलोजेंस जो है वो भी दो एटम से मिलकर बनता है सो दिस रिजेंबल्स हेलोजेंस तो यहां पे साइंटिस्ट का जो है ये काफी तर्क चला कि नहीं हाइड्रोजन जो है वो यहां की जगह आपको यहां रखना चाहिए सो so, एक जो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट क्लियर सो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ में ओके okay. और एक और लिमिटेशन थी hmm. वो ये कि जो आइसोटोप्स हैं hmm. ये काफी वैसे मेंडलीफ uh, के पीडिक टेबल uh, जब बन hmm. गया तो काफी uh, hmm. देर बाद जो है वो डिस्कवर uh, uh, हुए थे बट आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास साइंटिस्ट तो ने कहा एटॉमिक मासेस के हिसाब से आपने अरेंज किया है तो आइसोटोप्स का अरेंजमेंट कहाँ पे है तो ये एक और लिमिटेशन आ गया हुँ. तो इस तरीके से कुछ कुछ लिमिटेशंस आए आ, लेकिन आ, उनका भी समाधान निकला हुँ. और वो जो है किस तरीके से साइंटिस्ट ने दूसरा परिडिक टेबल बनाया ये हम आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे जी। तो आज हम लोगों ने जो है आप लोगों को डिस्कस किया है डोबरनेयर ट्राइड्स एक हमने न्यूलेंस लॉफ ऑप्टिव और एक हमने जो है वो कर लिया uh, का जो है परियोडिक टेबल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द गैप्स एंड येस yes, एक और अचीवमेंट थी कि जब ये मैंटलीफ ने जो अपना पर्वादिक टेबल बनाया जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई बच्चों तो ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ एज इट इज द नोबल गैसेस वर प्लेस्ड सो दिस वाज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट तो जाते जाते एक छोटी सी क्विज के क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए hmm. और ये आपका है क्विज टाइम तो आप लोग uh, क्या बता सकते हैं एक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास तो ये आप लोग करिएगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग आराम से बैठ के करिएगा जी <laughs> <laughs> तो जैसे मैम ने कहा आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और जब आप इन सब के क्वेश्चन के आंसर पता चल जाए तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ वो है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन आप इस सेशन का नाम और मैम का नाम लिखना ना भूलें आपको ताकि हमें इजी रहे इस सेशन को पहचानने में कि आप इस सेशन का होमवर्क भेज रहे हैं और मैम समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है अगर वैसे आप जाते जाते कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स अगर स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो आप दे सकती हैं बिल्कुल मैं आ, आप बच्चों से चाहूंगी कि जब मैं नेक्स्ट सेशन में जुड़ूंगी इसके लिए तो मैंटलीफ न्यूलैंड और डॉबर्नियर का चित्र जरूर बनाइएगा क्योंकि थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होने के लिए साइंस को जॉयफुल बनाने के लिए आ, मेरे स्टूडेंट्स भी बनाएंगे और hmm. मैं यहाँ पे भी स्टूडियो में लेकर आऊंगी बच्चों hmm. से जो है उसको हम लोग शेयर करेंगे ट्राई टू ड्रॉ यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट आई एम ऑल्सो नॉट एन आर्टिस्ट मैं अपना बनाया हुआ भी चित्र लेकर आऊंगी hmm. और hmm. बच्चों के साथ साझा करेंगे yeah. हम लोग और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं आपके तो की पॉइंट्स आप लोग बना लीजिए कि मैं का स्टेटमेंट लिखिए उसकी अचीवमेंट जस्ट द की पॉइंट्स एंड द लिमिटेशंस और Uh, मतलब जो है इसको कोई चीज़ को रखने की ज़रूरत नहीं है एक स्टोरी की तरह इस चैप्टर को आपने पढ़ना है समझना है और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स हमेशा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर Clear करने क्लियर चाहिए।, चाहिए जी तो जैसे मैम ने कहा कि आप अपने की नोट जरूर बनाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखें और इसी के साथ हम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर रविचोत मैम कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चों को पीरियोडिक्लास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर इतनी अच्छी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े और अभी समय एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक पे जा रहे हैं हम ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन सेशन के साथ हम हाजिर होंगे आप बने रहिए पीएम विद्या चैनल और एनसीआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुझे रेणु घट दीजिए इजाजत नमस्कार